तो जितनी भी गाड़ी में पीछे का ये लगा हुआ है, तो ये सब लोग अपना पर्सनल बोट लेके आए हैं यहाँ पे। यहाँ चल रहा है क्रिकेट। ओह फाइनली। तो अब ये व्यू देखो यार, कहाँ ये घर है और ये व्यू। तो भाई इसे जगह नहीं, इसे जन्नत कहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं फिर से चल रहा हूँ बाहर कहीं घूमने के लिए। तो पहले आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये हम इतनी छोटी अपने बड़े बोट से छोटे बोट में आ गए। अब चलते हैं सामने की किसी लोकेशन पे। बाकी जो मुझे बोट दिख रही है वो दिख रही है उतने दूर से आते हुए। तो मेरे ख्याल से हम लोग भी उसी लोकेशन पर जाने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी टाइम हो गया है, 1 बज चुका है। सही बताऊँ तो जिस दिन बोट डे होता ना, अगले दिन सुबह आँख ही नहीं खुलती है। बड़ी मुश्किल से मैं सुबह उठा हूँ और निकला हूँ इस नई लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए जैसे ही बोट चलता है आप लोग को यहाँ के कुछ शॉट्स दिखाते हैं और लेके चलते हैं उस आइलैंड पे। बस लेके मैं जा रहा हूँ टाउन के कुछ पास, जो कि यहाँ सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे। तो वहाँ चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। भाई इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को, बस दिखा सकता हूँ तो दिखाता हूँ। जब मैं बस से आ रहा था तो मुझे एक जगह वॉल पेंटिंग दिखी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले उसे ही जाके देखता हूँ फिर आगे बढ़ूँगा। भाई क्या ही प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए अब वॉल पेंटिंग, बस समझ नहीं आ रहा है लिखा क्या है। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। अब आगे हम लोग जहाँ पे कैफेटेरिया वगैरह बहुत सारे हैं वो दूर हो गया। फिलिप आइलैंड बेकरी, अब यहाँ पे काफी कुछ है दोस्तों। फर्स्ट नेशनल रियल स्टेट। भीड़ देखो आप यहाँ लोगों की। अलग ही लग रहा है यार कि अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। Have a look on this as well. दोस्तों आप ये छोटे छोटे कैफेज देखो यार, इतने प्यारे लग रहे हैं ना ये यहाँ पे। और सामने का आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ, ये देखो। तो दोस्तों बाकी सब चीज एक तरफ, और ये बाइक के लिए प्यार एक तरफ। भाई क्या लग रही है यार। तो ये हार्ले तो नहीं है,
विक्ट्री, कुछ विक्ट्री लिखा हुआ है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये गाड़ी। 106 क्यूबिक इंचेस, माय गॉड क्या लग रही है भाई, नेक्स्ट लेवल। इतनी बड़ी गाड़ी कितनी हैवी होगी होगी यार, ये बहुत अनदर लेवल। तो दोस्तों आप लोगों को फिलिप आइलैंड का सबसे प्यारा नज़ारा दिखाता हूँ। ये है वो व्यू, चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा है, इतना ज़्यादा सुंदर, मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ। जो बंदा सिर्फ देहरादून अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे जाता था, वो आज देहरादून से पता नहीं कितना दूर, पता नहीं ये फिलिप आइलैंड आई थिंक सो मेलबर्न के आई थिंक मेरे पास में है उधर, अभी एक ऐसे आइलैंड या ऐसी जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ जिसका मुझे रत्ती भर भी नहीं पता है, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में, मतलब हर एक चीज़ यहाँ से लोग, यहाँ के लोगों से बात करने में, मिलने में, हर एक चीज़ देखने में, पता नहीं क्या है, ऐसा क्या है यहाँ के क्लाइमेट में, ऐसा क्या है यहाँ के पेड़ों में, मतलब हर कुछ अलग ही है भाई, मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है घूमने में, हर एक चीज़ नई एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। तो भाई मेरे लिए तो मेरी ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है अगर मैं ऐसे एक्सप्लोर करता रहा तो, और साथ ही साथ आप लोगों को भी दिखाता रहूँगा। बाकी बस ये कि मैं खुद को नहीं शूट कर पा रहा हूँ क्योंकि अकेला हूँ, अकेले घूम रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को बस मैं सब चीज़ दिखाता रहूँगा, एक्सप्लोर करता रहूँगा। बाकी उस लोकेशन पे जाते हैं एक बार ऊपर से, वहाँ से व्यू देखते हैं कैसा है, वो दिखाते हैं। फिर टाइम भी हो गया है, वापस भी जाना है शिप पे, तो थोड़ी देर में मैं वापस भी निकल जाऊँगा। चलिए कुछ यहाँ के शॉट्स दिखाते हैं आप लोगों को। गुड वन, गुड वन। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ चल रहा है क्रिकेट, ओ फाइनली। तो फ्रेंड्स यहाँ इन लोग को ऐसे देख के अपने पुराने दिन याद आ गए कि हम लोग मतलब सड़कों पे, घर के पीछे खेत में, वो खेत को प्लेन करके वहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे, और अब तो मतलब काफ़ी आगे आ गए तो वो अब हो नहीं पाएगा, बट मज़ा आ रहा है यार। स्टार्टिंग में लगता था सोलो घूमना है, मतलब कहाँ हो पाएगा, बट धीरे धीरे जब सोलो ही घूम रहा हूँ, ये तीसरा मेरा है कि पहला मैं आपका कौन सा गया, लीपू आइलैंड गया था, मैं सिडनी गया, फिर मैं अभी यहाँ आया हूँ, धीरे धीरे सोलो घूमने में मज़ा आ रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे और आप लोगों को और कुछ दिखाते हैं पहले आइलैंड का। दोस्तों ये मैं बोलूँगा बेस्ट लोकेशन अगर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो भाई ये एक बेस्ट सनसेट लोकेशन हो सकती है। क्या व्यू आएगा यहाँ से, यहाँ बैठकर, वाओ यार, मतलब इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को।
अमेजिंग है यार। यहाँ से आप ये वाला नज़ारा देखो एक बार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। सो फ्रेंड्स, अभी मेरी यहाँ काफ़ी देर एक जो यहाँ के लोकल थे, मतलब इंडिया थे, बट वो यहीं पे बस चुके हैं मेलबर्न में, उनसे बात हुई तो मुझे पता लगा कि ये जो फिलिप आइलैंड है, यहाँ से जो मेलबर्न है अराउंड सिर्फ 90 किलोमीटर्स ही दूर है। तो एक तरीके से ये भी एक मेलबर्न का पार्ट है। तो अब चलते हैं वापस, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मैं कहाँ पर हूँ अभी। ये लास्ट लोकेशन है इस जगह पर, इन पत्थरों के इधर। भाई बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के, थोड़ी देर यहाँ मैं आराम से शांति से बैठा, कुछ वक्त गुजारा, अब चलते हैं वापस, टाइम हो गया है। तो बाकी दोस्तों, अब तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि कहाँ कहाँ मैं जाने वाला हूँ और क्या क्या मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोगों के साथ इसी तरह एक नई वीडियो में, किसी नए शहर में, किसी नए आइलैंड में, कहीं पे भी हो सकता है दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसे ही एक नई लोकेशन पे। बाय बाय।